हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जावा की बात करेंगे। बात करें लॉकडाउन के पहले मैंने जावा स्टार्ट किया था और उसके बाद थोड़ा सा मैंने भी जावा पर काम नहीं किया, तो चलिए आज जावा की बात करते हैं और जावा में पैटर्न प्रिंट कराना सीखेंगे। अगर आपने सी लैंग्वेजेस की वीडियो मेरी देखी है तो वहां पर कैसे पैटर्न प्रिंट कराते हैं वो सारे तरीके आपको समझ में आए होंगे, जावा में भी कुछ ऐसा ही है। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले नोट पैड ओपन कर लेता हूं, मैंने पाथ पहले से सेट कर रखा है, हम इसको कमांड लाइन आर्गुमेंट पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्लास बना लेते हैं, यहां लिखता हूं क्लास, ठीक है। और क्लास किस नाम से बनाएंगे, जिस नाम से आप क्लास बनाएंगे उसी नाम से आपको प्रोग्राम भी सेव करना होगा। तो यहां पे स्टार में डबल ए दे करके हम क्लास बना रहे हैं, यही नाम आपको फाइल को सेव करते वक्त भी देना होगा। अब यहां पे लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहां पर इसमें हमें आर्गुमेंट पास करना है, तो यहां लिखता हूं मैं स्ट्रिंग args, ठीक है, ये लिख दिया हमने। और यहां पर ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, एंटर प्रेस करके नीचे आना है, पहला फॉर लूप लगाना है, ठीक है। आपको याद होगा कि सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही हम पैटर्न बनाते थे, हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, तो यहीं पर हम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। इंट टाइप का वेरिएबल है हमारा ए, ठीक है, या फिर कुछ भी बना सकते हैं, ए बना सकते हैं, आई बना सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है। ए इज इक्वल टू, इसको कहां से स्टार्ट करेंगे, ए इज इक्वल टू वन से स्टार्ट करता हूं इसको, ठीक है। ए इज लेस देन और इक्वल टू सिक्स, यानी सिक्स रोज एंड कॉलम्स के पैटर्न हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ सिक्स कर दिया हमने और यहाँ सेमीकोलन और फिर आई प्लस ए प्लस प्लस कर दिया, ए प्लस प्लस, ठीक है। एंटर प्रेस किए और एंटर प्रेस करने के बाद यहां पर लगा लेंगे कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनाई जाती है, जैसा कि आपको पता भी होगा, ठीक है। एक गलती आप बिल्कुल ना करें, यहां पर कर्ली ब्रैकेट देना बिल्कुल भी ना भूलें, जैसा कि मैंने कर दिया था, आप मत कीजिएगा ऐसा। चलिए अब यहां पर दूसरा फॉर लूप एक रो के लिए कॉलम के लिए लगाते हैं, तो पहला तो रो दूसरा कॉलम, तो यहां पे इंट। अब दूसरा जो बनाएंगे हम वो हम बना लेते हैं, हमने बनाया ए नाम से, अब फिर बी नाम से करते हैं। तो बी इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू को कहां से स्टार्ट करेंगे, वन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और कहां तक चलाएंगे, बी इज लेस देन इक्वल टू ए, ए तक चलाएंगे इसे, ठीक है। इसको कर दिया टर्मिनेट और बी प्लस प्लस, ठीक है, यानी b की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाएंगे। यहां पर ये कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लिया हमने फिर से और यहां पे लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, प्रिंट लिख दिया हमने। और अब सिर्फ प्रिंट लिखेंगे, ln नहीं लिखेंगे, ये बात याद रखिएगा। हम स्टार के फॉर्म में पैटर्न प्रिंट कराना चाहते हैं, तो यहां स्टार दे दिया हमने और इसको कर दिया टर्मिनेट, ठीक है। ये कर्ली ब्रेसेस जो हमने बनाए, एंटर कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हमने कर दिया। फिर अब बात करेंगे दूसरे की, तो यहां पर फिर नीचे आएंगे, एक बार हमें स्टार प्रिंट कराना है और एक बार स्पेस प्रिंट कराना है। तो यहां पर फिर से लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। अगर आप ln नहीं लिखेंगे तो लाइन नहीं चेंज होगी और पैटर्न सही से प्रिंट होकर नहीं आएगा, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएगा, तो ln जरूर लिखिए आप। और यहां पर दे दीजिए स्पेस, ठीक है, स्पेस दे दीजिए और यहां पर टर्मिनेट कीजिए। और टर्मिनेट करने के बाद आपको क्या करना है, तीन ब्रैकेट्स नीचे क्लोज करने हैं, क्योंकि यहां पे काउंट कीजिए, एक कर्ली ब्रैकेट, दो, तीन, चार, चार ओपन किए थे, एक क्लोज किया है, तो बाकी के तीन आप नीचे कर दीजिए क्लोज, एक, दो और ये तीन। ये तीनों ब्रैकेट क्लोज करने के बाद str के नाम से इसे सेव करना है, हमने एक फोल्डर बना रखा है, ठीक है, उसी फोल्डर में हम इसे सेव करेंगे, माई पैक के नाम से बनाया है, ये देखिए यहां पर है ये फोल्डर, और इसी फोल्डर के अंदर हम इसे सेव करने वाले हैं। तो इसका नाम हम देंगे str, ठीक है, क्योंकि इसी नाम से हमने क्लास बनाया था डॉट जावा, फाइल की एक्सटेंशन है तो एक्सटेंशन तो देना ही होगा। इंटरप्रेस करेंगे और ये हमारी फाइल हो जाएगी सेव। अब हमको पता करना है कि हमारा प्रोग्राम सही बना है कि नहीं बना है, तो आपको कहां चलना होगा, कमांड लाइन को ओपन करना होगा। तो यहां पर टाइप करता हूं cmd और cmd टाइप करते ही यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, यहां पर क्लिक कर दीजिए माउस से और अब आ जाइए आप डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के लिए cd और यहां कर दीजिए डेस्कटॉप, एंटर प्रेस करेंगे, यहां डेस्कटॉप पे आ जाएंगे आप। अब आपको यहां पर क्या करना है, cd करके जो हमने माई पैक के नाम से फोल्डर बनाया था उस फोल्डर के अंदर आपको जाना है, ठीक है।
तो माई पैक लिखा हमने, ये आ गए हम माई पैक में। अब क्या करना है यहां पर कंपाइल करवाने के लिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, जावा सी लिखना है और एस टी डबल ए आर स्टार, यही नाम दिया था हमने, नाम हमें देना है और यहां पे क्या करना है डॉट जावा लगा देना है, ठीक है, क्योंकि ये फाइल की एक्सटेंशन है जावा की। एंटर प्रेस करेंगे, अगर कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल्ड हो गया। अब इसको रन करवाने की बारी, यहां लिखेंगे जावा और फिर यहां पर गैप देंगे और फाइल का क्या नाम है सी, यहां पर लिखता हूं जावा सी, गैप देंगे एस टी डबल ए आर डॉट जावा लिखेंगे, ठीक है, और एंटर प्रेस करेंगे। अगर कोई एरर नहीं है तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया। अब यहां पे लिखना है आपको जावा और गैप देना है और फिर यहां पे लिखना है एस टी डबल ए आर, क्योंकि यही तो फाइल का नाम है। एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारा पैटर्न सक्सेसफुली प्रिंट होकर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि एक दो तीन चार पांच छह लाइन का पैटर्न प्रिंट हुआ है, आपको पांच लाइन का ही पैटर्न चाहिए, तो आपको अपने कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग करनी होगी। यहां पे सिक्स तक हमने लूप को चलाया है, आप यहां पर फाइव कर दीजिए, फोर कर दीजिए, जितने आपको चाहिए उतने कर दीजिए और सिर्फ यहां पर ये करके और इसे कर दीजिए सेव। अब चलिए इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करवाते हैं। तो कंपाइल करवाने के लिए जावा सी, ठीक है, और फिर इसको यहां पर नाम देंगे एस टी डबल ए आर विथ एक्सटेंशन, तो यहां विथ एक्सटेंशन नाम भी दे दिया। एंटर प्रेस किया, अगर कोई एरर नहीं है तो कंपाइल्ड हो गया और यहां पे लिखना है आपको जावा और एस टी डबल ए आर विदाउट एक्सटेंशन। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे देखिए सिर्फ चार लाइन का पैटर्न ही प्रिंट होकर आया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी के साथ ये पैटर्न आप बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप और भी ज्यादा लाइंस का पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने कोडिंग में थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 लाइन का पैटर्न बनाना है तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, बस हो गया काम। यहां से सेव कीजिए इसे और सेव करने के बाद फिर चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को हम करवाते हैं। तो एक बार कंपाइल करवा देते हैं जावा सी एस टी डबल ए आर डॉट जावा, ठीक है, एक बार कंपाइल करवाया। अब ये कंपाइल्ड हो गया हमारा प्रोग्राम, अब इसको रन करवाने की बारी। तो यहां पे लिखता हूं जावा और यहां पे लिखूंगा एस टी डबल ए आर, ठीक है, विदाउट एक्सटेंशन। तो यहां पे देख सकते हैं 10 लाइन का ये पैटर्न प्रिंट होकर आ चुका है हमारे सामने। तो उम्मीद करता हूं इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।